कोरोना से ज्यादा खतरनाक संघी मीडिया है, मोदी मीडिया है, देशद्रोही है, देश को तोड़ने वाला है। आप ही सच्चाई सामने लाएंगे, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर सब निजी जमात आप लोग दुश्मन है, आप मुझे सीधे सवाल है, भारत के दुश्मन है, भारत तोड़ रहे हैं। और साथ ही ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नेशनल स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सरवर साहब, देश में आम इंसान घर पर बैठा है क्योंकि वो कोरोना को हराना चाहता है। जिनका नाम लिया जाए वही बोले प्लीज। मेरी बात जानी चाहिए, सच्चाई को छुपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अरे सर, कौन छिपा रहा है सच्चाई? कौन छिपा रहा है? हम तो कह रहे हैं सामने लाइए सच्चाई। कौन छिपा रहा है? कौन छिपा रहा है सच्चाई? सरवर साहब, आप ही सच्चाई के झंडा बरदा रहे हैं। आप ही सच्चाई सामने लाएंगे, बाकी सब यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप ही सच्चाई सामने लाएंगे, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अगर सब आगे उनके पीछे उनके चेले, आप भी बोलिए सच। अरे क्या अगर मगर है भाई? अच्छा तो दो 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 दिन में वो दो दिन में हुआ ये तबलीगी जमात के मेंबर है। आपकी सरकार क्या कर रही है? की भाषा बोल रहे हैं। 72 सालों की सारी सरकार जो है कटघरे में आ जाएगी साहब, खतरे में डाला है सुचाई। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, आप लोग दुश्मन है। आप मुझे एक सीधा सवाल है, आपके दुश्मन है, भारत तोड़ रहे हैं। कम्युनिटी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपने नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सरवर साहब नहीं, सुचारिता सुनिए, भारत को कोई खतरा ना हो इसलिए कह रहे हैं कि सामने आइए। तोड़ वो रहे हैं जो सामने नहीं आते। खतरा कोरोना से ज्यादा इनसे है, क्योंकि जितना खतरा भारत को कोरोना से है उससे आप बताओ उस तरह का खतरा किसी से नहीं है। और उस कोरोना को लेकर एक सवाल का जवाब, मेरे एक सवाल का जवाब, 56,000 लोग कहाँ हैं? इससे ज्यादा खतरनाक ये मौलाना है। 56,000 लोग कहाँ? कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये मौलाना है। सारे डांटे हैं, आप कहाँ हो? ये पूरी पूरी कोरोना से ज्यादा खतरनाक संघी मीडिया है, मोदी मीडिया है, देशद्रोही है, देश को तोड़ने वाला है। अरे आप आप आवाज दबाते, विनय सिंह एक मिनट रुकिए, आवाज दबाते। अरे कौन दबा रहा आपकी आवाज? आपकी आवाज कौन दबा रहा? माशाल्लाह बहुत बहुत दबंग आवाज है। बोलिए बोलिए, जितना चिल्ला सकते हैं बोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि आप अपनी आवाज में खुलकर आवाज उन्हें लगाइए जो छुप रहे हैं। 56,000 बहुत बुलंद आवाज है आपकी। स्वास्थ्य मंत्री बताएं, जोर से बोलिए, जो लोग कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं खुद आए सामने बोलिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं। रातों रात सर्वर आ गया, मैं कह रहा हूँ इस बुलंद आवाज में आवाज लगा दीजिए उन सबको जो छिपते फिर रहे हैं। 17 मार्च को भारत के स्वास्थ्य मंत्री ये सब पे उंगली मौलाना साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पूछिए मौलाना साहब कहाँ है? जे बिल्कुल उठाएंगे, भगोड़ा भाग के कहाँ छुप गया मौलाना साहब? बोलिए सरवर, एक भगौरे के पीछे पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, अपनी अपनी नाकामी को समाज जीवन जीने की बात बताने वाले मौलाना साहब कहाँ है साहब? 4 लाख मजदूरों को, जिसने पूरी कौम को खतरे में डाल दिया, मौलाना साहब कहाँ है? वो कहाँ भाग गया मौलाना साहब? 4 लाख मजदूर गरीब, अमीरों को चाइना से ला रहे हैं, अमीरों को इटली से ला रहे हैं, अमीरों को जलेबी बना रहे हैं, अमीरों को ट्रेनिंग है तबलीगी जमात की, और गरीब जलेबी बनाना शुरू करते हैं जब लोग फंसते हैं तो। तबलीगी जमात की बात है, कोई गरीबों से मतलब नहीं है, मजलूमों से मतलब नहीं है, जब फंसते हैं तो जलेबी बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।